किसी की बुद्धि के भीतर घुस करके
उसकी बुद्धि को बदला कैसे जा सकता है। मुंडे मुंडे मधुर भिन्न कई बार आजकल लोगों का ये ट्रेंड बन गया, जाते हैं बाहर कहीं चौराहे पे कहीं पे, हमारी कार के पास कोई भीख मांगने के लिए आ जाता है, वो कांच भी खटखटाता है, तो अक्सर लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि वो ये सोच में पड़ जाता है कि गाड़ी का शीशा करके इसको पैसे दिए जाए या नहीं। कई तरह से व्यक्ति विचार करता है, रात का समय होता है तो वो सोचता है कि कहीं ये लूटने वाला तो नहीं, दिन का समय होता है तो व्यक्ति सोचता है इसकी शक्ल से तो ये नशेड़ी लगता है, अभी पैसा दे देंगे तो जाकर के दारू पी लेगा। अस्सी प्रतिशत ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है। किसी की वास्तविक स्थिति भी ऐसी हो सकती है, आपको पैसा देना उचित न लगे तो अपने हाथ से नाश्ता खरीद करके वो पैसा इसी एवज में मांगता है ना कि 10 रुपए दीजिए, आपको आपकी पीढ़ियां अमर रहेगी, मैं आशीर्वाद देती हूँ, मुझे खाना खाना है, ऐसे ही बोलते हैं, तो आप खाना ही दे दीजिए, दे तो दीजिए। यदि पैसा देने में विश्वास नहीं तो खाना ही दे दीजिए, गौशाला में पैसा देने में विश्वास नहीं तो चारा ही दे दीजिए, क्योंकि आजकल कई बार गौशाला के नाम पे भी गड़बड़ होता है बहुत ज्यादा। धर्म को धंधा बना दिया लोगों ने, विद्या को व्यापार बना दिया लोगों ने, और फिर भी कहते हैं गौ माता की जय हो और धर्म की, ऐसे जय नहीं होती है, जय सामूहिक होती है और सबके द्वारा प्रयत्न करने पर होती है। मेरे अकेले के बोलने से चिल्लाने से क्या होगा, यदि मेरी बात आप सैकड़ों लोगों में किसी एक के दिल को छूती है और वो अपने जीवन में परिवर्तन लाता है तो मेरा बोलना सार्थक माना जाएगा। बेबसों को सताने से क्या फायदा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे जीव को चामड़ो लोह भस्म हो जाए, बेबसों को सताने से क्या फायदा, बेबसों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, मनवा चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर, लेकिन इतने प्रकार के उदाहरण सभी या दोहा सोरठा से समझाने से फायदा क्या होगा। एक व्यक्ति ने कहा कि चलो गुरुद्वारे चलते, तो कहा गुरुद्वारे में चल करके क्या करना है, का गुरुद्वारे में चल करके कुछ न कुछ अपनी ऐब हो वो छोड़नी है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को गुरुद्वारे ले गया कि मत्था टेको गुरु ग्रंथ साहब को और कोई न कोई आपका विकार हो उसको छोड़ दो। तो उस दोस्त को पता था कि मेरा दोस्त बीड़ी पीता है, तो कहा आप बीड़ी छोड़ो, कहा क्यों, कि यहाँ गुरुद्वारे में आने पर कुछ न कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है, बिना छोड़े यहाँ से जा नहीं सकते। तो मित्र क्या बोला पता है, कि आज से मैं ये सौगंध लेता हूँ कि कभी गुरुद्वारा नहीं जाऊंगा, ये छोड़ दिया गुरुद्वारा जाना। बोलो गुरुद्वारा छोड़ना मंजूर है लेकिन बीड़ी छोड़ना मंजूर, 6 फीट का हट्टा कट्टा आदमी
का आदि हो गए, गुटखे का आदि हो गया, तंबाकू का आदि हो गया, बेबसों को सताने से क्या फायदा। रमेश जी भागेल भागेल सर से रमेश जी पधारे हैं, उनसे मैं कहता हूँ स्टेज पर पधारिए। मेरे को तो सुन सुन के दुम लगे, लोग आदि हो गए, कुछ नया भी हमें सुनने को मिलेगा। बेबसों को सताने से क्या फायदा, बेबसों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का सब इंसान बराबर ना छोटा बड़ा, सब इंसान बराबर ना छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा तो बेटा, उड़ा तो बेटा, जिंदगी में बुआ जी फूफा जी ताऊ जी नाना जी नानी जी काका जी काका जी दोस्त जिगरी यार लंगोटिया यार पता नहीं कितने लोग हमसे जुड़े। सामान सौ बरस का पल की खबर नहीं, चुटकी में श्वास निकल जाती है, सब इस धरा का धरा रह जाता है, इस धरा का इस धरा पे धरा रह जाता है। व्यक्ति को ये सोचने का भी अवसर नहीं मिलता कि हम चले जा रहे हैं, हम चले, इसलिए ये प्रयत्न करना चाहिए कि आई एम ऑलवेज रेडी फॉर डेथ, मृत्यु के लिए हमेशा तत्पर रहो। होप फॉर द बेस्ट अंग्रेजी में कहावत है, अच्छे की हमेशा आशा रखो, आशा अमर धन है, और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहना। इस कावज को जो जिंदगी में उतारता है वो हर कठिनाई का सामना बड़ी आसानी से कर देता है। असल में वही जिंदगी की चाल समझता है जो कठिनाई की धूल को भी गुलाल समझता है। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो आप सफल हो। यदि आपके पास ये युक्ति है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई भी किसी भी स्थिति में बिगाड़ने से मतलब हमें कोई सुख दुख में नहीं डाल सकता, हम तो अजर है अमर है आपके पदेश है निर्विकार है पर ब्रह्म परमात्मा के अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जन्म मरण तो शरीर का होता है, आत्मा तो अजर अमर है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। जैसे बिस्तर की खोली बदलती है वैसे जीवात्मा शरीरों को बदलता है। ऐसे दृढ़ भावना से यदि अपने आप का आकलन करेंगे, अपने आप को समझेंगे, आत्मा के अमर स्वरूप को समझेंगे, प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कब तक बार बार जन्मते रहोगे, कब तक बार बार मरते रहोगे, कब तक माता के गर्भ में नौ महीने तक मल के बीच में उल्टा लटकते रहोगे, क्या इससे छुटकारा नहीं चाहते? यदि इससे छुटकारा चाहते हो तो जो समय मिला है उसमें भगवान का भजन करो। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। ऐसा उपाय करें कि जिंदगी में हमेशा प्रसन्न रहे, आनंद
हमें कोई विचलित न कर पाए, हम प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति का भी सामना हंस करके कर सके। भगवान से, भगवान के सामने यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं आपको जानता हूं, ऐसी सामर्थ्य मुझे दे। भाई भगवान से ये छोटी मोटी चीजें नहीं मांगनी, धन दौलत गाड़ी बंगला ट्रैक्टर मर्सिडीज ये नहीं मांगने। जब भगवान की भक्ति करनी हो तो भगवान से भगवान को ही मांगो, भगवान से आत्म साक्षात्कार के उपाय को मांगो, भगवान से ये मांगो कि मैं अपने आप को जान सकूं, भगवान से ये मांगो कि हूँ एम आई, मैं धरती पर क्यों आया हूँ या आपने मुझे क्यों भेजा। यदि भेजा तो भेजा में भेजा डाल के भी, हाँ भेजा डाल के भेजा है तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, सबको विवेक दिया है, लेकिन व्यक्ति ये सोचने के लिए तैयार नहीं। अरे खाना पीना सोना ये तो पशुओं का काम है, लिया नहीं नाम और दिया नहीं दान है, चार चीजें व्यक्ति और पशुओं में सामान्य रूप से रहती है। संतान तो जानवर भी पैदा करते हैं, इंसान भी करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात। नींद जानवर भी लेता है, नींद इंसान भी लेता है, तो कौन सी बड़ी बात। डर जानवर को भी लगता है, डर इंसान को भी लगता है, कौन सी बड़ी बात। भूख जानवर को भी लगती है, भूख इंसान को भी लगती है। ये चार चीजें जो दोनों में सामान्य है मैंने बता दी, तो इंसान की वैल्यू जानवरों से बड़ी क्यों है। क्योंकि मनुष्य के पास धर्म है, मनुष्य को पता है कि माता के साथ कैसा व्यवहार करना, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना। व्यक्ति एक रोल अनेक, एक ही व्यक्ति पोते के पास जाता है दादा बन जाता है, भतीजे के पास जाता है ताऊ बन जाता है या चाचा बन जाता है, पत्नी के पास जाता है पति बन जाता है, माँ के पास जाता है बेटा बन जाता है, दादी के पास जाता है पोता बन जाता है। एक व्यक्ति है, रोल अनेक है, बहुत सारे अभिनय जीवन में करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मूल स्वरूप को भूल जाए। वास्तव में हम है क्या भाई, हम नाना है कि चाचा है कि ताऊ है कि फूफा है, हम सब थोड़ी है, हम तो एक ही होंगे ना कोई ना कोई, तो वो एक क्या है। मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे, मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे। भजन में भजन डालने का मुझे शौक नहीं है, ये टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण आ गया इसलिए मैंने समझा दिया। हम तो भाई प्रारंभ से लेके अंत तक सीधा सीधा भजन गाने वाले लोग हैं। अभिनेताओं को हम अपना रोल मॉडल बना करके जिंदगी जीने के सलीकों को ढूंढते हैं कि फलाने अभिनेता ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, उसने गजनी कट किया तो हम गजनी कट करेंगे, वो पागल है तुम भी पागल हो जाओ। भेड़ चाल की भी कोई हद होती है महाराज, क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हुए सब बुद्धिमान है, सब बृहस्पति है क्या, वो भी हम आप जैसे ही लोग हैं। उल्टा उनकी बुद्धि कहीं दिवालिया पने को चली गई, इसलिए वो धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए उतारू हो गए। और भारत की जनता चुपचाप बैठी बैठी देखती रहती है, ओ माय गॉड, गॉड टू सी ग्रेट हो, पता नहीं कौन कौन सी ऐसे लोग चलचित्र दिखा देते हैं, उससे नए युवाओं का दिमाग खराब होता है, घर वालों से झगड़ते हैं, फांसी पे लटक जाते हैं। ये जीवन न जीने की तरीके को जानने के कारण ऐसा होता है।
भाई भगवान ने जीवन दिया है आत्महत्या करने के लिए थोड़ी दिया। जिसने आत्महत्या की समझ लो उसने जिंदगी जीने के तरीके को नहीं जाना, उसने जिंदगी जीने के तरीके से हार मान ली। कारण कोई भी रहा हो, दुनिया में कारण होते हैं। जीवना जीते हिवना, लाइफ इज एन एंडलेस स्ट्रगल। भाई जब तक जियोगे कुछ ना कुछ तो हम लोगों की कैसी स्थिति है। एक कुआ है जिसके किनारे पर बहुत सारी रेत है और उस किनारे पर हम बैठे हैं और हम जल्दी जल्दी पांव चला रहे हैं कि यदि रेत को जल्दी जल्दी पांव से कुएं में नहीं डालेंगे तो हम खुद कुएं में गिर जाएंगे। तो इसी का नाम जीवन है। रेत के कुएं के किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति जैसे लगातार पांव चला करके जीने की मशक्कत करता रहता है, संघर्ष करता रहता है, उसी तरह व्यक्ति जीवन में कई समस्याएं आती है। हर व्यक्ति के लिए हर समय अनुकूल हो कोई जरूरी नहीं है। किसी को बचपन से ही समस्या आती है, किसी के बचपन में ही माँ बाप चले जाते हैं, कोई बचपन से ही अनाथ हो जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं, जिसका जैसा लेख है वैसा होता है, जिसका जितना साथ है वैसा होता है। लेकिन कोई अनाथ नहीं होता, जब भगवान सबके नाथ है तो भला दुनिया में कौन अनाथ हो सकता है। बसों को सताने से क्या फायदा, बसों को सताने दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। सब हिंसा बराबर ना छोटा बड़ा, क्यों का सब बराबर जब सब में भगवान की छवि को देखेंगे। मैं आपको एक नजरिया देता हूँ, आपका कोई विरोधी नहीं रहेगा दुनिया में। आप सुख से जी पाएंगे, आपको जीवन जीने का तरीका मिल जाएगा। गीता में लिखा है, सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। बड़ी चोटी रखने से, धोती पहनने से पंडित नहीं होता है। पंडित कौन होता है? जो समदर्शी, जो समदर्शी हो। कुत्ते में भी भगवान कृष्ण के दर्शन करे, गाय में भी भगवान के दर्शन करे, सूअर में भी भगवान के दर्शन करे, इस माइक में भी भगवान के दर्शन करे। सब जग ईश्वर रूप है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। सब जगह भगवान का दर्शन करे, आदमी में भी श्री कृष्ण का दर्शन करे, औरत में भी कृष्ण का दर्शन करे, हिंजड़े में भी कृष्ण का दर्शन करे। ऐसी दृष्टि जब आपकी हो जाएगी तो जैसी दृष्टि वैसी, अरे ये कहावत बताए कि नहीं, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। नहीं वो बलोड़ो मारो दुश्मन है तो वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ने वाला, उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, उसको फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। जब तक सब में भगवान नहीं देखोगे तब तक ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये दावे के साथ और डंके की चोट कह रहा हूं। जिंदगी में दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, इन सब भजनों को बोलने से क्या फायदा, जब आपको समझना ही नहीं। भजनों का उद्देश्य यही है कि हम परमात्मा को जानने के उपायों को जान ले। किसी भी कलाकार को क्या कहना है कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, दुनिया झूठी है, परमात्मा सच्चा है, ईश्वर के आगे किसी का जोर नहीं लगता, शरीर माटी का पुतला है, इससे ज्यादा कुछ नया कहना है क्या? कुछ भी नहीं कहना है, सब पहले कहा जा चुका है। सब इंसान बराबर ना छोटा बड़ा, अंश जब जब उड़ा तो तेरा उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, अंश जब जब उड़ा तो तेरा उड़ा, अंश जब जब उड़ा तो तेरा उड़ा। भक्त वत्सल।
पूछा कितने भजन हुए तो ये भी बोलते हैं कि मैं गिनने का